लुधियाना के न्यू माधोपुरी के निकट जीटी रोड पर हुए एक भयंकर सड़क दुर्घटना में दो छात्रों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना एक निजी कंपनी के फोर व्हीलर बाइक के मध्य हुई है, जिसमें घायल विद्यार्थी को सीएमसी अस्पताल लुधियाना में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान मौके पर गुस्साए मृतक के परिजनों व रिश्तेदारों सहित इलाका निवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस पर स्थिति को बिगड़ते देखकर पुलिस ने इनको खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। चाहिए हमें बोलने नहीं, हमें अपना बच्चे का हथियार चाहिए। अगर सामने आएगा तभी हम उसको बताएंगे क्या हिसाब क्या होता है, नहीं तो हमको भी मार डालेगा। और देखते कितना बड़ा वो शेर है, हमारा बच्चा दे नहीं तो उसको आगे करे। और पुलिस वाले बच्चा ले आवे, पाई कहूंगी पुलिस भी बीच में नहीं हुई है। बच्चे मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, जो बच्चे की डेथ हुई है वो क्या लगता है? मेरा भतीजा लगता है, मैं उसकी बुआ लगती हूँ। मेरा बेटा है, मेरे सामने रहा और आज वही मेरे सामने मरा पड़ा। मुझे उसका इंसाफ चाहिए, जैसा मर्जी। सम्राला चौक किलोमीटर से एक्सीडेंट हुआ है, फोर व्हीलर सी फास्ट थी, वो बच्चे इन्हों का एक्सीडेंट हो गया। दो बच्चे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एक जिहड़ा सीगा वो सी एम सी लैके गया, उहदा हुण उसे कह के सी एम सी उहनां दा ट्रीटमेंट शुरू करा। बच्चे सी हाले स्कूल चाले प्लस टू प्लस वन दे ट्यूशन पढ़न जा रहे सी। जागती लड़के लिए लुधियाना से विपिन जवाहर की रिपोर्ट।